फ्रेंड्स, मैंने टिकट ले ली है। देखिए 50 जेडी की टिकट है। उसके बाद थोड़ा सा रास्ता दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कैसे रास्ते, कैसे पहाड़, और इन्हीं दुर्गम रास्तों से होकर जाना है, तब दिखेगा वो महान पेट्रा, नेपालियन सभ्यता के लोगों ने जिसे बनाया था। उसे देखने के लिए दूर दूर देश से लोग खींचे चले आते हैं, और मैं आपको उसकी झलक दिखाऊंगा। असली मज़ा तो तब है जब आप इसे पैदल चल के एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ मैं ये बात बता दूं कि जब आप आते हैं और पैदल चलने में यदि आप सक्षम हैं, तो आप घोड़ा गाड़ी या फिर कोई दूसरी सवारी लेकर ना जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलेंगे चलिए काफ़ी दूर है और मैं आपको ले जा रहा हूँ, इतने डॉलर उतने डॉलर, तरह तरह से बार्गेनिंग भी होती है। तो हाँ, जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन यदि आप चल सकते हैं तो पैदल चल के आनंद लीजिए। बहुत सारे चीज़ मिलेंगे आपको रास्ते में एक्सप्लोर करने के लिए, और कितने सारे लोग हैं देख सकते हैं, मेरे पीछे हैं, मेरे सामने से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पैदल ही घूमते हैं। और मज़ा तभी है क्योंकि आपने काफ़ी पैसा लगाया है, काफ़ी दूरी तय की है इसे देखने के लिए, और सही ढंग से देख भी नहीं पाएंगे तो फिर बात क्या रह गई। आप देखिए, एक्सप्लोर करिए और पैदल चलिए और आनंद उठाइए। देखिए लोग फोटो ले रहे हैं, कितना आनंद कर रहे हैं। मेरे साथ ये अंकल हैं, आपको याद होगा कुवैत में मिले थे मुझे और जिनके साथ मैं गया था शॉप पर, और मैंने एक बोतल पानी खरीदी थी, और क्या लिया था अंकल? कॉफ़ी ना, कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको कैसा लग रहा है यहाँ बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पैदल आप चल पा रहे हैं? बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हम तो फॉरेस्ट वाले हैं। हाँ, अभी भी यंग है, अभी भी यंग है, बिल्कुल पैदल चलना भी चाहिए। गाइस देखिए, और वाकई मैं आपको दिल की बात बताता हूँ कि हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा पैदल चलने में। गाइस मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गुफा है, और ऐसी अनेकों गुफाएं यहाँ पर बनी हुई है। और बाइबल, जिनको नॉलेज है, जो बाइबल जानते हैं, उन्हें पता होगा ये बाइबल प्रोफेसी का हिस्सा है। मेरे पास समय उतना नहीं है, मैं कोई अलग से फिर वीडियो बनाऊँगा तो इसे अच्छी तरह समझाऊँगा। कुछ गुफाएँ वहाँ हैं देखिए, और ये गुफाएं बाइबल प्रोफेसी के तहत हैं, बाइबल में दर्ज है इनके बारे में। मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी सारे सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही आनंद ले रहे हैं सभी। वाकई ये देखने लायक जगह है, अगर आप आना चाहते हैं आप आइए देखिए, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पैसे बर्बाद कर दिए। हाँ, बस मौसम को देख कर आइएगा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। मैं क्या बताऊँ, शब्दों में बयान कर पाना तो काफ़ी मुश्किल है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन पहाड़ों को आप देख सकते हैं, बिल्कुल खड़ी पहाड़ें हैं, और नेपालियन सभ्यता के लोगों ने इसे बनाया था। पहली शताब्दी से इसका बनाना उन्होंने शुरू किया था, कई साल लगे इसे बनने में, लेकिन ये अद्भुत आर्किटेक्ट का कमाल है। और उस समय ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी बुद्धिमत्ता थी उस समय, ये सोच पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है आज के युग में भी, क्योंकि आज के समय में भी अगर इसकी कल्पना की जाए जो बनी हुई है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये अद्भुत है, ये अद्भुत नज़ारे हैं बिल्कुल। और नेपालियन सभ्यता के लोगों ने इसे बनाया था, और पता नहीं किस तरह के औजार रखते होंगे, उतना तो डेवलपमेंट उस समय था नहीं किसी चीज़ को लेकर, लोहे को लेकर या किसी अन्य धातु को लेकर, लेकिन फिर भी आज मान लीजिए कि आपको सारी चीज़ें दे भी दी जाए और बताया जाए कि इस तरह का अगर बना दें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उस समय लोगों ने बनाया था। और ये खड़ी पहाड़ें आप देख रहे हैं, नक्काशीदार पहाड़ें हैं ये, और ये पहाड़ें इस ढंग से बनाई गई थी कि दुश्मनों से उनकी रक्षा हो सके। जब दुश्मन हमला करने के लिए इन राहों से होकर जाएं, तो ऊपर से वो लोग क्या करेंगे कि पत्थर फेंक कर अपना बचाव करेंगे, दुश्मनों को ऊपर गिरा देंगे, तो ऐसी सोच थी, और शायद ऐसा हुआ भी होगा। एक मिनट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कमाल का नज़ारा, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। ये है वो ट्रेजरी, जिस
कमाल का नज़ारा है दोस्तों। और जानते हैं खास बात, ये बहुत ऊंची है। जितना हम YouTube में किसी ब्लॉग में देखते हैं या टीवी पर इसे देखा होगा, ये उतनी ऊंची लगती नहीं है देखिए, लेकिन ये काफ़ी ऊंची है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। और यही आकर्षित करती है दुनिया भर के लोगों को, और लोग खींचे चले आते हैं इस ट्रेजरी को देखने के लिए। देखिए पेट्रा का वो मेन चीज जिसे लोग देखना चाहते हैं। और अब पता चला कि क्यों पेट्रा 7 वंडर्स में से एक है। अद्भुत कलाकारी है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, और बहुत ही बारीकी से इसे तराशा गया है। ये अद्भुत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। वाकई आपको मौका मिले आप ज़रूर आइए और इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए।